हेलो एवरीवन दिस इज़ फरीन एंड वेलकम बैक टू आर चैनल द कुकिंग एंड मच मोर तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी बहुत ही ईजी तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में एड किया है अंडा तो मैं दो अंडे ले लूँगी इसके बाद मैंने ऐड किया है उसमें टू टेबल स्पून शुगर अगर आप शुगर ज़्यादा खाते यानी मीठा ज़्यादा पसंद करते तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा इसके बाद मैंने ऐड किया है सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और तकरीबन पाँच से छः चम्मच दूध तो गर्म दूध शामिल ना करें दूध या तो ठंडा होना चाहिए या तो फिर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही में मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है और अब मैं ले लूँगी ब्रेड स्लाइस और ब्रेड स्लाइस को हम एक मिक्सचर में अच्छे से डीप कर लेंगे पैन पे अप्लाई करें घी या बटर आप ग्रिल वाला पैन भी यूज़ कर सकते हो और फिर ऐड कीजिएगा ब्रेड स्लाइस तो मैंने दूसरा भी ब्रेड स्लाइस जो है रख दिया है पैन पे और इसे स्लो फ्लेम पे हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे तो एक साइड से ब्रेड स्लाइस जो है वो अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुका है और उसका कलर भी चेंज हो चुका है तो अब मैं इसे कर दूँगी फ़्लिप और दूसरे साइड पे भी हमने कुछ इसी तरीके से इसे भूनना है तो पाँच मिनट में ये फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाते हैं तो इजी और क्विक ब्रेकफास्ट डिश है ये और आप देख सकते हो दोनों साइड से जो है ब्रेड अच्छे से भुन चुका है तो मैंने कर दिया है गैस फ्लेम को ऑफ़ और अब इसे कर दूंगी मैं डिश आउट तो हमारे फ्रेंच टोस्ट बन के रेडी हो चुके हैं आप इसे सर्व कीजिएगा आपके की फेवरेट फ्रूट्स के साथ फेवरेट नट्स के साथ आ, मैं सर्व कर रही हूं एप्पल के साथ अब मैं इस पे पोर कर रही हूं हनी अगर आपके पास मैपल सिरप हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो और ये स्टेप जो है स्किप मत कीजिएगा इसे टेस्ट दुगना हो जाता है फ्रेंच टोस्ट का तो हनी या तो मेपल सिरप जरूर ऐड कीजिएगा फ्रेंच टोस्ट पे और अगर आप ये डिश बनाते हो तो इसके पिक्स मुझे इंस्टा पे भेज देना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय